नवदीप नबी कालका ने बताया कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिवस पर रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें 150 लोगों ने रक्तदान किया। नबी ने कहा कि 2008 से लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिवस पर रक्तदान का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास से जन्मदिवस मनाया जाता है। आज 15वां कैंप था। आज तक लगभग 2400 लोग रक्तदान कर चुके हैं। आज पहले हवन का आयोजन किया गया। सभी ने हवन में आहुति डाल दीपेंद्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए मनोकामना की और भावी मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भगवान उन पर अपनी असीम कृपया बनाए रखे। सभी युवा साथियों और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नवदीप शर्मा नबी ने सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद किया। इस मौके पर विजय रैना, वरुण शर्मा, रविंद्र रावल, अमरजीत सिंह, देवेंद्र जैन, अशोक राठौर, कंवर पाल, राहुल, उदयवीर, रोनी आदि शामिल हुए। हरियाणा प्रदेश के एक आमजन के मसीहा, राज्यसभा सांसद, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 2008 से हमारे द्वारा जन्मदिवस मनाया जाता है और हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ये 15वां रक्तदान शिविर है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, और हर वर्ष सैकड़ों लोग रक्तदान करते हैं। आज भी 300 रक्तदाता इस ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदान करेंगे। हम आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और हरियाणा प्रदेश की सारी जनता को चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हम अपने महाकाली प्रभु राम, श्री राम हनुमान बाबा जी से ये प्रार्थना करते हैं, ये हमारी मनोकामना है कि 2024 में हरियाणा प्रदेश में आम जन के सुख समृद्धि के लिए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाएँ, ताकि वो हरियाणा का जैसे उन्होंने पिछले 10 वर्ष तक जब रहे विकास किया था, तो आने वाले आगामी समय में वो हरियाणा का विकास करें और हर एक आम जन तक उनकी सुविधाएं पहुंचें। क्योंकि 300 रक्तदाता दान करेंगे, इसलिए एक टीम का पॉसिबल नहीं था कि एक टीम इतना ब्लड लेती है। तो आज एक तो हमारे चंडीगढ़ 16 जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, 16 की टीम है, और एक इंडस डेराबस्सी से, ये दो हॉस्पिटल की टीमें आई हैं जो यहाँ पे रक्तदान लेने का कार्य कर रहे हैं। इसे यही कहना चाहता हूँ कि वो नशे से दूर रहकर समाज सेवा में अपना योगदान दें, खेलों में अपना समय व्यतीत करें, और आने वाली पीढ़ी जो है वो कालका पिंजौर की, वो नशे से दूर रहे, ताकि हम एक बेहतर कालका और बेहतर हरियाणा का निर्माण कर सकें और अपना योगदान दे सकें। मेरा यही युवाओं से अनुरोध है कि आप नशे से दूर रहें और सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।